Student, today we discuss the capacitance of the spherical capacitor. So here we have to for making the capacitor, you know very well कि capacitor के लिए आपको दो conducting plate चाहिए. One plate has the positive polarity, another plate has the negative. यदि कोई भी दो conducting plate पे एक पे positive दूसरे पे negative होगा तो ही capacitor बनेगा. अब जो capacitor की shape है, यदि आपके पास parallel plate capacitor बता रहा था, एक plate पे आपने positive polarity of charge लिया था, दूसरी plate पे negative polarity of charge. तो ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया. आप स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है तो आपने दो कंडक्टिंग प्लेट ऐसी लेनी है जिन पे जिनकी शेप स्फेरिकल हो. तो आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर ये ले लिया, ये आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है. इस कंडक्टर का रेडियस r1 है, दूसरा जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस r2 मान लिया. ओके, तो स्फेरिकल कंडक्टर दो है, एक आपके पास रेडियस r1, दूसरा रेडियस r2, स्फीयर की फॉर्म में है. इस स्फेरिकल कंडक्टर को, इस स्फेरिकल कंडक्टर को हम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कोई भी चार्ज, मान लीजिए चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस स्फेरिकल पे, मान लीजिए चार्ज क्यू है. ओके, तो ये आपने चार्ज इस स्फेरिकल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्यू, इट्स ओके. अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया तो व्हाट विल बी, अब इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसमें क्या होगा, जो इस पे जितना चार्ज है, मान लीजिए क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये इंड्यूस चार्ज है. आउटर जो स्पीयर है उसके इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और इसके आउटर सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव क्यू, इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव क्यू, इट्स ओके. ये आप इंडक्शन इफेक्ट में जानते हैं, ये आउटर स्पीयर है, आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्पीयर, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्पीयर, इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्पीयर, और ये आपके पास है आउटर, जो इनर स्पीयर है उसके आउटर सरफेस पे चार्ज क्यू है. ये आपके पास इनर स्पीयर है, ये आपके पास आउटर स्पीयर है, इनर स्पीयर पे आपने चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसके कारण इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव होगा इंड्यूस चार्ज और आउटर पे क्या होगा, पॉजिटिव क्यू. ये आप जानते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे आर इंड्यूस. अब नाउ हियर यू नो दिस सरफेस इज अर्थ, यदि इसको अर्थ कर दे तो सारा का सारा चार्ज किसमें चला गया, अर्थ के अंदर. अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये आप जानते हो, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के जो सरफेस पे पोटेंशियल है, मान लीजिए यहाँ 10 है तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे थ्रू आउट द स्फीयर पोटेंशियल सेम रहेगा, जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है. अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यदि हमारे पास वेरिएबल डिस्टेंस आ रहा है, r इज लेस देन r है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो. और यदि r इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन, यदि इससे ज्यादा है, r2 से ज्यादा है, r2 से भी ज्यादा है, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, व्हाट विल वी डू, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इस पे स्फीयर इनर सरफेस पे निकालना है, इनर स्फीयर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनर स्फीयर पे जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भूले नहीं होंगे, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है. तो इनर पे क्या बनेगा, चार्ज क्यू है अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या होगा आर वन, ये इनर सरफेस इनर स्फीयर का क्यू चार्ज के कारण, फिर माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू, तो सारा का सारा अर्थ के अंदर चला गया, जीरो पोटेंशियल है यहाँ पे. तो क्यू वी यहाँ पे प्लस दूसरा किसके यहाँ, माइनस क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू, यानी कि इनर सरफेस इनर स्फीयर पे के अंदर जो भी पोटेंशियल होगा वो अपने चार्ज के कारण तो होगा ही, और इंड्यूस जो आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण भी होगा. अब वी टू जो है, वी टू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटर स्पीयर के आउटर सरफेस के कारण, अर्थ हो गया चार सारे अर्थ में जीरो. तो यानी कि नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे, जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो वी वन प्लस वी टू. तो वी वन प्लस वी टू हम करेंगे तो क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहाँ पे बन गया वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, और यहाँ पे क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे, ये एलसीएम आ गया आर वन आर टू, और ये बेटा आपके पास आर टू माइनस आर वन, ये V है. और इसको हम क्या ले सकते हैं, अब आपके पास V किसके इक्विवेलेंट है, Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये आपके पास हो गया R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाई R1 इनटू में R2. तो यहाँ पे जो कैपेसिटी हो गई Q बाई V होगा तो क्या बन गया, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई, और ये हो गया R2 माइनस R1. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर. देखिए कोई भी कैपेसिटर होता है दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं. अब एक पे तो जैसे इस पे पॉजिटिव पोलरिटी होगी और इस पे क्या है, नेगेटिव पोलरिटी.
तो एक प्लेट में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव आओ कभी सर इसमें पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो सारे किसमें चलेगी अर्थ के अंदर चलेगी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इसकी जो आप कैपेसिटी होगी वो यानी कि आपके पास ये होगी। डोंट टेक द टेंशन वेरी सिंपल है दो कंडक्टिंग प्लेट किस टाइप में ली स्पीयर की ट्रम में ओके स्पीयर की सेम में तो स्पेरिकल कंडक्टर बन गया और यदि आपके पास कंडक्टर कैपेसिटर बन गया और सिलेंड्रिकल की सेम में लेंगे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाएगा और यदि आप प्लेन सीट लेते हैं प्लेन तो प्लेन में भी रेक्टेंगुलर में भी पैरेलल तो उसमें आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। कैपेसिटर की तीन शेप हम डिस्कस कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा चुके हैं आज मैंने कैपेसिटर ऑफ स्पेरिकल जो कैपेसिटर है ये बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता बट ये बेटा कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको अच्छे से आप देख लीजिए क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यानी कि वेरिएबल डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस होगा फील्ड पॉइंट यहाँ पे होगा कंडक्टर के होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। बाहर भी होगा बाहर भी जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव यहाँ चला गया तो आप बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो थ्रू आउट द सरफेस जो सरफेस में होता है वही अंदर तो यानी कि इनर स्फीयर के आउटर सरफेस के कारण क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन आर वन और इसके कारण भी होगा इसके कारण क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो स्फीयर है आउटर स्फीयर के अंदर है तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू डेवलप होगा बट वो सारा का सारा अर्थ के अंदर चला गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण और इसके कारण दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एट द किसके कारण इनर स्फीयर के कारण होगा और आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस के कारण जीरो हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया सोल्व कर दिया और ये आप जानते हो ये आपके पास है कौन सा है कि स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर दिस इज द एक्सप्रेशन अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। उसके बाद देखिए सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल भी बहुत आसान है अब सिलेंड्रिकल आप कैसे बनाएंगे सिलेंड्रिकल के लिए आप एक सिलेंड्रिकल देखिए ये आपके पास कोई सिलेंड्रिकल शेप में है दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप का है कोई ओके इसका आपका इनर रेडियस क्या मान लिया इसका इनर रेडियस आर वन मान लिया इस पे मान लीजिए चार्ज कौन सा है इस पे चार्ज आपके पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इनर सरफेस पे ओके सिलेंड्रिकल शेप है दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप इट्स ओके। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया इसका आउटर एक और आउटर सिलेंडर ले लिया अब इस जो आउटर जो सिलेंडर है इसको आउटर ये आउटर सिलेंडर ले लिया इसका हमने रेडियस क्या मान लिया बेटा इसका इसका रेडियस आर वन है इसका रेडियस क्या मान लिया आर टू। अब इंडक्शन इफेक्ट यहाँ पे लगेगा यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी है यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी है तो यहाँ कौन सी डेवलप होगी यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी डेवलप होगी नेगेटिव पोलरिटी डेवलप होने से वही इंडक्शन इफेक्ट है नियर स्पेस पे नेगेटिव आउटर पे कौन सी डेवलप होगी आउटर पे पॉजिटिव होगी फिर इसका भी आउटर सिलेंडर का आउटर सरफेस ये इनर सिलेंडर है जिसका रेडियस आर वन है आउटर सिलेंडर का रेडियस आर टू है इनर सरफेस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया इनर पे आपने पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए क्यू पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो गया नेगेटिव इसके आउटर पे पॉजिटिव इसका आउटर क्या कर दिया अर्थ अर्थ करने पे इस पे आउटर पे जो भी चार्ज है सारा किसमें चला गया अर्थ के अंदर। अब यहाँ दो कंडक्टिंग प्लेट किस सेम में सिलेंड्रिकल सेम में एक पे पॉजिटिव चार्ज रह गया दूसरे पे कौन सा है नेगेटिव चार्ज जब एक प्लेट पे पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव तो एक कैपेसिटर बनाएंगे अब कैपेसिटर कैसे बनाएंगे सिलेंड्रिकल बनाएंगे। अब यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेंथ पर है जहाँ लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ा रखे टू टू को भी यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये हमें फॉर्मूला जानता है किसी भी इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है इट्स ओके लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या जानते हैं इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डीआर तो डीवी को क्या लिखेंगे आप माइनस ई ये डीआर आप इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अब यहाँ पे इनर रेडियस आर वन से आउटर क्या है आर टू आर वन से आर टू डीवी का इंटीग्रेशन वी हो गया माइनस ई की वैल्यू पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर अरे चार्ज वायर को सिलेंड्रिकल गोजन सरफेस ड्रॉ करके हमने निकाला था ओके तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये आपके पास डी आर ये आपके पास आर वन ये आपके पास आर टू यहाँ पे माइनस लैम्डा को आपने कॉमन ले लिया टू पाई एप्सिलॉन नॉट को भी कॉमन ले लिया वन बाई आर
dr, ये आपके पास r1 ef r2 minus lambda by 2 pi epsilon note, क्या बनेगा 1 by r dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बच्चा यदि भूल गया हो तो 1 by x dx का जनरल फार्मूला होता है log of x, तो यहां पे जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log of e, यहां पे क्या होगा r, यहां पे r1 और ये r2, तो फार्मूला क्या बन गया v is equal to minus lambda 2 epsilon note अपर लिमिट माइनस लोअर, तो log of r2 minus log of r1, इसको हम कैसे ले सकते हैं, हाउ वी कैन राइट, अब यहां से ये लैम्डा ओके यदि माइनस को अंदर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया log of r1 minus log of r2, और यदि हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया log of e r1 by r2 हो गया log m minus log n, ये log logarithm वाला फार्मूला लगा दिया, यहां पे आपके पास क्या है v, लैम्डा को क्या ले सकते हैं q by 4 pi epsilon note l, ये आपने लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज बाय लेंथ, यहां चार्ज की डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी लेंथ l, l मान लो जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपके पास होगा log of r1 r2, अब कैपेसिटेंस क्या होता है q by v, ये बन जाएगा 2 pi epsilon note l by log of e, ये r1 by r2, और मैंने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर दोनों आपको व्हाट्सएप पे डाल दिए इनके नोट्स, एंड होपिंग दैट आपने नोट्स भी बना लिए होंगे उनको पढ़ भी लिया होगा, आप इसको अच्छे से आज जरूर एक बार पढ़ लेना, ये था सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, इट्स ओके। एक मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताना चाहूंगा, वो आप ध्यान से सुनिए, ये आपके पास कोई बैटरी है 4 वोल्ट है, यहां से करंट सप्लाई कर रही है बैटरी, ठीक है ना, यहां पे ये 3 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, सॉरी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये यहां पे पॉइंट ए है, यहां से ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां से 2 एंपियर करंट आ रहा है, ओके यहां से ये 1 एंपियर करंट आ रहा है, ये 1 एंपियर है, इधर से एक सेल और है, ये सेल आपके पास 3 वोल्ट की है, इस प्रकार के मैंने भेजा है न्यूमेरिकल आपको, ये आपके पास है मान लीजिए कुछ भी है 1 ओम, और यहां से ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर 4 माइक्रो फैराड का है, और यहां पे ये पॉइंट मान लीजिए ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ओके अब यहां से जो करंट है ये करंट आपका आ रहा है 2 एंपियर, अब यहां से इस पॉइंट से दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट पर ये को रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस है ये 1 ओम का है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और यहां पे ये गिवन है कि यहां पे जो रेजिस्टेंस है ये करंट 2 एंपियर आ रहा है, यहां पे 1 एंपियर कहता है, यहां पे जो करंट जा रहा है वो 2 एंपियर जा रहा है, यहां पे करंट क्या जा रहा है 2 एंपियर जा रहा है इधर, और ये पॉइंट डी है, और यहां से को रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहां से जो करंट जा रहा है कहता है ये करंट 1 एंपियर आ रहा है, और कुछ भी गिवन नहीं है, अब आपने एनर्जी स्टोर निकालनी है, आपने एनर्जी स्टोर किसके अक्रॉस निकालना है, डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर अक्रॉस द कैपेसिटर, बहुत आता है ध्यान से सुनिए आप ध्यान से, अब यहां से ये पॉइंट ए है, आप सबसे पहले देखेंगे ये जंक्शन है, यहां से जो करंट आ रहा है 1 एंपियर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से करंट आ रहा है 2 एंपियर, तो 1 एंपियर 2 एंपियर यहां ए पॉइंट पे 3 एंपियर कलेक्ट हो जाएंगे, कैपेसिटर कभी भी चार्ज को स्टोर करता है चार्ज, बट स्टडी स्टेट के अंदर कैपेसिटर कभी भी डीसी करंट को अलाउ नहीं करता, ये बातें हम फोर्थ यूनिट में प्रूव करेंगे कि कैपेसिटर ऑलवेज अपोज द डीसी करंट, जो डीसी करंट होता है स्टडी करंट होता है करंट फ्रॉम द बैटरी उसको अपोज करता है कैपेसिटर, तो यहां से तो करंट जाएगा नहीं, टोटल करंट हमारे पास कितना आ गया ये 3 एंपियर, यहां से करंट आपके पास 3 एंपियर, यहां से भी 3 एंपियर आ रहा है, ध्यान से सुनिए, आप यहां से कहता है 2 एंपियर जा रहा है, यहां से 2 एंपियर आ रहा है, तो यहां पे कितना है बट नेचुरल 1 एंपियर जाएगा, क्योंकि यहां जब इस पॉइंट पे ये पॉइंट डी मान लो मान लीजिए, ये पॉइंट सी मान लीजिए,
यहां से करंट इस ब्रांच से 2 एम्पियर, इस ब्रांच से 1 एम्पियर, यहां से आपके पास 3 एम्पियर, यहां पे करंट 3 एम्पियर आया सी से डी, बट कह रहा है यहां पे 2 एम्पियर जा रहा है तो यहां पे कितना 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर यहां से करंट 1 एम्पियर आया है, यहां से भी 1 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, इट्स ओके। अब यहां से एनर्जी स्टोर निकालना है कैपेसिटर, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डी और बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहां करंट कितना है 5 इनटू में 3 हो गया, यहां पे करंट 3 इनटू में 1 हो गया और यहां पे करंट हो गया प्लस 2 इनटू में 1, ये इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आपके पास क्या होगा 15 प्लस 3 प्लस 2 यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 18 वोल्ट हो गया, इट्स ओके 18 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट हो गया, यहां पे जैसे 3 आया ये आपके पास 20 वोल्ट हो गया, ये 20 वोल्ट, इट्स ओके। अब आपने क्या निकाला है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या था हाफ cv स्क्वायर 1/2 c, या कैपेसिटेंस कितनी है 4 माइक्रो फैराड 10^-6, या v आपके पास है 20, 20 को क्या लिखते हैं 4 × 10^-4, यहां पे आपके पास आप 4 × 10^4, यहां पे क्या लिखेंगे आप ये 2 8 इनटू में क्या होगा 8 × 10^-2, ये जो भी आएगा ये आपके पास जूल। तो यू कैन डू सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, और जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स आपको सेंड किए हैं आपको बार बार बोला जाता है कि आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप भेजिए। आज आपको ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे, ओके तो आप आज अच्छे से पढ़ेंगे। टुडे वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट कैपेसिटेंस कैपेसिटर्स, यानी होल यूनिट इज कंप्लीटेड। इफ यू एनी डाउट यू कैन सेंड योर डाउट्स इन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स एंड आई विल स्टार्ट current electricity from tomorrow, okay.